धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, अपने पार्टी का, जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं बधाई देता हूँ श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने सातवां लगातार बजट दिया है। ये केवल केंद्रीय बजट नहीं, ये जन भावनाओं का बजट है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ। अगर आप बजट की ओर देखेंगे, इसकी बुरी बुरी प्रशंसा सब तरफ से हुई, लेकिन एक नेता ने यहाँ खड़े होकर जिस तरह से पहले कटाक्ष किया कमल पर, ना जाने कमल से उनको क्या विरोध है, लेकिन कमल के लिए, कमल का अगर शब्द का प्रयोग राजीव नाम के लिए भी किया जाता है, कमल के फूल को अगर राजीव कहेंगे तो वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कमल को बुरा दिखाने का प्रयास किया गया। अरे भाई, ये बात सही है कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और जनता ने तीसरी बार लगातार हमें सत्ता में बिठाने का काम किया है, लेकिन केवल ये कमल का फूल नहीं, इन्होंने अपमानित कुछ और करने का काम भी किया। मैं उसका थोड़ा उल्लेख यहाँ पर जरूर करना चाहता हूँ। ये कमल, इससे जुड़ा हुआ नाम राजीव भी है, और राजीव आप जानते हैं किसका नाम है, आप सब जानते ही हैं, तो क्या उनको भी बुरा समझते, क्योंकि इन्होंने कहा, इन्होंने राजीव को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही, कमल को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, माँ लक्ष्मी का आसन भी कमल है, हमारा राष्ट्र पुष्प भी कमल है, और जिस पद्मासन मुद्रा में सिंधु सभ्यता में भगवान शिव की पशुपति नाथ के रूप में मूर्ति मिली थी, लोकमान्य तिलक पद्मासन मुद्रा में ही समाधिलीन हुए थे। आप कहते हैं कमल के चारों तरफ हिंसा है, आप कमल का अपमान नहीं कर रहे, आप बल्कि महायोगी भगवान शिव, भगवान बुद्ध और लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। इसलिए अगली बार कमल के बारे में सोच बोलने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए कि आप किस किस का अपमान कर रहे हैं, और केवल रील के नेता मत बनिए, मीम्स आपकी खूब बनती हैं, रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। और सर, कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं, और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है, और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था, जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत शायद, अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद। सर, मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। मैं इतना ही कहूंगा, कल जो चक्रव्यूह में फंसाने की बात कर रहे थे, वो करण को करना कह रहे थे, कृपाचार्य जी को कृपचाय बोल रहे थे, चलिए छोड़िए उसको। अध्यक्ष जी, कल तो ऐसा लग रहा था सदन के अंदर महाभारत पर इतना सारा ज्ञान दिया गया कि एक समय ऐसा लगा बीआर चोपड़ा के महाभारत के धारावाहिक का संगीत गूंजने लगा हो, और कहीं ना कहीं उन्होंने एक बार महाभारत पढ़ने के लिए फिर प्रेरित किया। मगर इस बार महाभारत पर मैंने एक नई पुस्तक पढ़ी, जो उनकी पार्टी के विद्वान सांसद, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, उन्होंने लिखी है, और उस पुस्तक का नाम है द ग्रेट इंडियन नॉवल। राहुल जी को अगर महाभारत और चक्रव्यूह के विषय में विस्तृत जानकारी लेनी है तो अपने उस सांसद से वो संपर्क कर सकते हैं। और मैं बताऊंगा, शशि थरूर जी ने शायद वही राहुल गांधी जी को बता दें, या बताएंगे नहीं तो मैं बता देता हूं कि आपने महाभारत और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को मिलाकर जो उपन्यास लिखा है उसके पात्र कौन कौन है।
इस उपन्यास में धृतराष्ट्र के रूप में किस नेता को दिखाया गया है, कौरव किस पार्टी को कहा गया है, इस उपन्यास में प्रिय दुर्योधनी कौन है, जब राहुल जी को इसका पता चलेगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शशि थरूर जी पर कार्रवाई ना हो जाए। लेकिन क्या है साहब, ये लोग तो संविधान दिखाते थे, पढ़ते नहीं थे। मैंने उस दिन पूछ लिया कितने पन्ने होते तो वो भी नहीं बता पाए। मैंने उसके बाद पूछा कि ये जो आप संविधान की कॉपी लेकर चलते हो, इसका प्रीफेस पढ़ा है, इसका फॉरवर्ड पढ़ा है, इसकी प्रस्तावना किसने की है? के वेणुगोपाल जो सॉलिसिटर जनरल इनकी सरकार के समय भी रहे होंगे, सीनियर एडवोकेट हैं, या गोपाल शंकर नारायण जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने उसकी प्रस्तावना की थी और प्रस्तावना में लिखा था कि कैसा काला अध्याय, वो इमरजेंसी का समय था। और ये संविधान जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने दिया, अगर ये नहीं दिया होता तो आम जनमानस को अपने अधिकारों का पता भी नहीं लगता। लेकिन इन्होंने तो उसको पढ़ा ही नहीं था, लेकिन केवल कॉपी दिखा रहे थे इतने दिनों से साहब। ऐसे ही महाभारत पर भी ऐसी हालत लग रही है, और मुझे लगता है, और नहीं तो गूगल दादा तो थे, इनसे पूछ लेते आप क्या करते हो साहब, साथ में को बताया करो। सर इस उपन्यास के माननीय सभापति जी, इस उपन्यास के मुताबिक जिस पार्टी के सर्वे सर्वा आप हैं, उस उपन्यास के वही कौरव पार्टी है। मैं अपनी तसल्ली के लिए कुछ पंक्तियों को यहाँ उद्धृत कर देता हूँ। मैं कोट कर रहा हूँ सर, पेज नंबर 245 से, द इंडिया ऑफ विच धृतराष्ट्र अज्यूम द लीडरशिप ऑन 15th August 1947 हैड जस्ट बीन थ्रू अ कथाटिक प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, अनदर स्टेज इन दिस एंडलेस साइकिल। अब 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी तो नहीं थे, और ये कह रहे हैं कि जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को उस समय वो सत्ता ली थी वो धृतराष्ट्र थे, तो धृतराष्ट्र किसको कहा गया? धृतराष्ट्र को किसको कहा गया? अब आपने मुझे बांध रखा है, कल स्पीकर ने कहा है, स्पीकर मोदी ने कहा कि उस समय के लोगों का नाम नहीं लेना, तो प्रथम प्रधानमंत्री जी को धृतराष्ट्र मैंने नहीं कहा, इनके अपने ही सांसद ने अपने ग्रेट इंडियन नॉवल में कहा है। शशि थरूर जी कहाँ हैं, कहीं छिप तो नहीं गए? आज शो कॉज हो सकता है। फिर देखिए प्रिय दुर्योधनी और धृतराष्ट्र के विषय में क्या लिखा है। आई कोट फ्रॉम पेज 293, इन दिल्ली ब्लाइंड धृतराष्ट्र रूल्ड विद प्रिय दुर्योधनी बाय हिज साइड एंड ही प्लेज द नेशन नॉट सो मच टू द गैस एंड हॉट वाटर ऑफ हिज फैबियन प्रिसेप्टर्स बट टू स्मोक एंड स्टीम ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देयर एंसेस्टर्स हैड डिनाइड दिस कंट्री। सर ये सबको पता है कि इस देश के एकमात्र फैबियन समाजवादी कौन थे, और ये फैबियन समाजवादी कौन थे उसके बारे में किसी और ने नहीं, आपके ही सांसद ने लिखा है। अरे वाह, इसमें तो आगे इमरजेंसी की चर्चा भी है, और जिसे इंदिरा गांधी जी ने थोपा था, और इमरजेंसी उपयोग किया है। ये देश इनकी यातनाओं का सर भुक्त भोगी रहा इमरजेंसी के समय, और वो काला खंड, वो काला अध्याय, वो देश कभी भूल नहीं पाएगा, जिसने देश के लोगों को कठिन शब्द इमरजेंसी के बारे में भी बताया। सर तो हम चर्चा कर रहे थे द ग्रेट इंडियन नॉवल के अध्याय 7th बुक की, जिसमें प्रिय दुर्योधनी और उनके प्रिय पात्र शकुनी शंकर डे देश में आपातकाल लगाने की योजना बना रहे थे। सर मैं पढ़ता हूं कि शकुनी ने क्या कहा, आई कोट, व्हाट यू कुड डू नाउ इज टू डिक्लेयर एन इंटरनल सीज, अ ग्रेव थ्रेट टू द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन फ्रॉम इंटरनल डिसरप्शन। जिस बुक को आप कोट कर रहे हैं उस बुक को आप सबमिट कर दीजिए। मैं कर दूंगा साहब, एक कॉपी आपको भी भिजवा दूंगा साहब, एक टेबल पे भी रख दूंगा।
So what you could do now is to declare an internal cease, a grave threat to the stability and security of the nation from internal disruption. No one has ever defined the permissible procedures under an internal cease, which leaves it to more or less up to us to define them, Shakuni added. And the next, sir, from page 366, I quote, not to mention censorship of the press. Press hai? Not to mention censorship of the press, which is nowhere explicitly ruled out in the Constitution. Suspension of certain fundamental rights, free speech, assembly, and that sort of things, and measures to put up the judiciary in their place, said Shakuni. Sir, ये किसी और ने नहीं, और मैं कहना चाहता हूँ सर, माननीय अनुराग जी, एक किताब गौरव जी को भी भिजवा दीजिएगा. मैं कॉपी गौरव जी को भिजवा दूंगा सर. सर, इसमें जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे उस समय की, सर, उस समय की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी. एक नेता की स्वर्गीय दादी जी भी हैं, और मैं उनके नाम के आगे, उनके नाम के आगे प्रियदर्शनी भी लिखा जाता था, और उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी. लेकिन माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूँ, दुशासन और दुर्योधन दोनों बहुत ही दुष्ट और बदमाश हो सकते थे, लेकिन उन्होंने भी कभी इमरजेंसी नहीं लगाई थी. दुशासन और दुर्योधन दुष्ट भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं, बदमाश भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी इमरजेंसी नहीं लगाई थी. सर, पूरे उपन्यास में 74 बार कौरव और कौरव पार्टी की चर्चा हुई. हर एक में कांग्रेस का चरित्र झलकता है. राहुल जी सदन में हजारों साल पूर्व हुए महाभारत की कहानी सुना रहे थे, मगर उनकी अपनी पार्टी के पढ़े लिखे एक विद्वान, पूर्व मंत्री और सांसद आज के महाभारत की कहानी लिखते हुए बताते हैं कि कौन कौरव था, कौन शकुनी था, कौन धृतराष्ट्र था, कौन दुशासन था, कौन दुर्योधन था, कौन करण था. जरूर पढ़िएगा, सबके किरदार उसी में मिलने वाले हैं. और शायद जिस समय शशि थरूर जी लिख रहे थे उस समय आपका टैलेंट इनको पता नहीं था, नहीं तो 100 पन्ने तो आप पे ही लिख देते साहब. आप चाहते कार्रवाई हो जाए. माननीय सभापति जी, कल जब राहुल गांधी जी चक्रव्यूह पर, कल जब राहुल गांधी जी चक्रव्यूह पर बहुत ज्ञान दे रहे थे, तो पीछे दो लोग, कुमारी शैलजा जी और दीपेंद्र जी, बैठकर मुस्कुरा रहे थे. अब शायद राहुल जी वो पीछे हंस तो रहे थे, लेकिन आप एक बात जरूर कर लीजिए, चक्रव्यूह के परिपेक्ष में इन दोनों से बेहतर कौन बता सकता है हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं. जान लीजिए कि कौन शकुनी है और कौन अभिमन्यु है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी. आपको एक और सुझाव है, और मैं इतना जरूर कहूंगा, आपने तो कई सारे चक्रव्यूह बनाने का काम किया सर, और जब उस समय किशोर अभिमन्यु पर कौरवों ने युद्ध नीति के विपरीत जाकर प्रहार किया था, तो मैं कुछ कहना चाहता हूं. इतने में पुत्र दुशासन ने पीछे सा था वार किया, निष्प्राण हुए एक गदा से सिर पर था प्रहार किया, मां धरती की गोद में वह आंख मूंद कर सो गया, अंबर का तेजस्वी तारा धूमकेतु सा खो गया, लेकिन कोई तारे का तेज फीका नहीं कर सकता, वीर गति पाकर अमर हुआ हो कभी नहीं मर सकता है. पुत्र सुभद्रा कुरुक्षेत्र में जिसकी अमर कहानी थी, नौ माह में सीखी विद्या जब 16 साल जवानी थी. अब उस अभिमन्यु को जिसने सारे चक्रों को तोड़ने का काम किया, मैं इतना ही कहूंगा, चक्रव्यूह का प्रसंग छेड़कर आपने अच्छा किया. इस देश ने बहुत सारे चक्रव्यूह देखे, कांग्रेस का चक्रव्यूह. सर, इसके सात किरदार मैं बताता हूं सर. पहला कांग्रेस, दूसरा पंडित नेहरू. सर, नाम लेने के लिए मना किया, मैं दूसरी तरह से बोलता हूं. पहला कांग्रेस, दूसरे पहले प्रधानमंत्री एनजी,
फिर तीसरा किरदार आईजी पूर्व प्रधानमंत्री, चौथा RG1 उस समय के प्रधानमंत्री, पांचवा SG, छठा RG2 और सातवां आप सब जानते ही हैं, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। सर पहले चक्रव्यूह ने देश को विभाजन कराया, पहले चक्रव्यूह ने देश का विभाजन करवाया और दूसरे जो NG उन्होंने देश को कश्मीर की समस्या दी और चीनियों को भारत की भूमि सौगात में दी, चीनियों को भारत भूमि सौगात में दी। सर तीसरे चक्रव्यूह IG ने, पूर्व प्रधानमंत्री IG ने देश को आपातकाल दी, इमरजेंसी दी और पंजाब अशांति दी, पंजाब में अशांति दी। चौथे जो RG1 है, RG1 ने बोफोर्स दिया और सिखों का निस्संहार किया। पांचवे जो SC हैं उन्होंने सनातन धर्म परंपरा के प्रति नफरत का नैरेटिव बनाया, 12 लाख के करोड़ के घोटालों को संरक्षण प्रदान किया, देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को भंवर जाल में फंसाया। और छठे ठहरे आप, जिन्होंने पिछले 15 सालों में देश की राजनीति, संसदीय परंपरा और संस्कृति को इतना नुकसान पहुंचाया जितने की ये बाकी 6 मिलकर चक्रव्यूह एक साथ मिलकर भी नहीं कर पाए। और रही सातवीं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, मैं इतना ही कहूंगा सभापति जी, सातों चक्रव्यूह ने मिलकर देश को गरीबी, भूखमरी, आतंकवाद, कट्टरवाद जैसे अनगिनत दुष्चक्रों में फंसा दिया था। देश को हमने इन आपके दुष्चक्रों से बचाया है, आजाद कराया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास रथ को आगे बढ़ाया। आज दुनिया में भारत को पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। आप जिस अभिमन्यु को घेरने की कोशिश पिछले 22 सालों से कर रहे हैं, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, आपके योद्धा और आपकी सरकारें निपट गई लेकिन आप उनको घेर पाए क्योंकि वो जनता के दिलों में बसे हैं। आज यहाँ 293 अभिमन्यु बैठे हैं, भले ही आपके पास करण जैसे धुरंधर हों, शकुनी जैसे कुटिल रणनीतिकार हो, धर्म हमारे साथ है, धर्म हमारे साथ है। भले ही आपके पास नारायणी सेना हो लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण हमारे साथ है, स्वयं भगवान कृष्ण हमारे साथ है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में दिखाया। माननीय सभापति जी, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, हमारे साथ तो जनता रूपी रघुनाथ है और आगे भी रहने वाला है। आप देखिए, ये कल से हलवा बांटने की बात कर रहे थे, अध्यक्ष महोदय झूठ के पैर नहीं होते, ये झूठ अक्सर कांग्रेसियों के कंधे पर सवार होकर सैर करते हैं, जैसे मदारी के कंधे। सर इसको देखिए, माननीय सभापति जी, झूठ सब के बजाय आप असत्य कहें, झूठ झूठ असल जदी है, उसको हम कार्रवाई का हिस्सा नहीं, असत्य कहें। माननीय सभापति जी, आई हैव ऑलरेडी गिवन रूलिंग मिस्टर वेणुगोपाल जी, आई हैव गिवन रूलिंग। माननीय सभापति, असत्य के पैर नहीं होते, असत्य के पैर नहीं होते और ये असत्य अक्सर कांग्रेसियों के कंधे पर सवार होकर सैर करता है, जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है वैसे राहुल जी के कंधे पर बंदर होता है, जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है वैसे राहुल जी के कंधे पर झूठ का बंडल होता है जिसे वो रोज यहाँ परोसते हैं ये बजट पर, सदन पर। माननीय सभापति जी, जिस व्यक्ति को बजट निर्माण की प्रक्रिया का पता ना हो, संसदीय कार्य में रुचि ना हो, मात्र अध्यादेश को फाड़ने का काम किया हो, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ हलवा किसको मिला, मैं पूछता हूँ हलवा किसको मिला, राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीभ घोटाले का हलवा किसने खाया,
किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? पूजी स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कैम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? माननीय सभापति जी, कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ, इनके लिए ओबीसी है। गौरव सुनिए, गौरव बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप कैंडी एड्रेस दीजिए। माननीय सर, इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन और ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन के लिए काम करने वाली पार्टी अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करती है तो आर्नी को भी पंखे के साथ लटकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मतलब जिस पार्टी ने अपने पार्टी के अध्यक्ष जो एक पिछड़े वंचित समाज से आते थे उनको धोती से खींचकर पार्टी से बाहर निकाल दिया हो, उसके शहजादे हमें ज्ञान बांट रहे। अरे साहब, इनको पहले तो एलओपी का मतलब समझना पड़ेगा। ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इसका मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। जवाब आपका दे रहा हूँ। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी सुनिए, माननीय गौरव जी, आप या माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि माननीय राहुल जी एलओपी, उन्होंने भी बात कही सरकार पे या सरकार के मंत्रियों के लिए नाम लिया, तो इसका जवाब अगर वो दे रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड जो होगा इसको मैं स्पंज करता हूँ। उन्होंने झूठ कहा था, मैंने उसको स्पंज कर दिया। अनुराग ठाकुर जी, सर, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, आप देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब झूठ परोसना बंद कर दें, क्योंकि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। अब ससंदी है, ठीक है, असत्य निराधार। जी सर, जी उसके ठीक है, निराधार है सर। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। माननीय सभापति जी, आप बैठ जाए। माननीय अखिलेश जी, आपने जो बात उठाई है मैं उसको दिखवा लूँगा। मैं आपकी बात को ले रहा हूँ। मैं उन्होंने जो बात कही है, आप जो विरोध कर रहे हैं, मैं उसको दिखवा लूँगा। आपने जो बात कही उसको मैं दिखवा लूँगा। अनुराग जी, माननीय सभापति जी, कृपया आप लोग बैठ जाएँ। आप बैठ जाएँ। गौरव जी, आरक्षण
आरक्षण देने का विरोध किया था। एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलना चाहते हैं, आप लोग बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी की स्पीच, माननीय अनुराग जी की स्पीच खत्म हो जाए। बैठे बैठे आप लोग बैठ जाएं। मैं आप सर, उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, मुझे बोलने दीजिए, उनकी बात खत्म हो जाए। उन्होंने इंसल्ट किया, उसके बाद मैं आपको अवसर दूंगा। नहीं सर, नहीं, उनके बाद अवसर दूंगा, आपको अवसर दूंगा, बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, अवसर दूंगा। उनकी उनकी स्पीच खत्म, उनकी स्पीच खत्म हो जाए, प्लीज आप बैठ, आप बैठ जाओ। अनुराग जी, कल किस चीज़ का इंसल्ट कर रहे थे? आपको अवसर दूंगा, आपको अवसर दूंगा। अच्छा एक मिनट बैठ जाए, एक मिनट बैठ जाए, आप बैठ जाए सर। एक मैं क्लैरिटी कर दूँ सर, मैंने कहा एक मिनट बैठ जाए आप, मैंने बैठ जाए, आप सब लोग बैठ जाए। अच्छा आप सब लोग बैठ जाए, आप सब लोग बैठ जाए। अब लीडर ऑफ अपोजिशन को मैं बुला रहा हूँ। अब ये पर इज इट फेयर इफ आई एम अलाउंड टू योर लीडर ऑफ अपोजिशन, इज इट फेयर? मैं फिर उनको बुला लूँगा। नहीं तो मैं आपको बुला रहा हूँ तो पहले बैठ जाए, पहले लोग बैठ जाए, पहले बैठाइए सर, सब लोग बैठ जाए, पहले सब लोग बैठ जाए तब मैं आपको अलाउ करूँ। सब बैठ जाए मैं आपको अलाउ करूँ, मैं आपको अलाउ करूँगा, सब बैठ जाए मैं अलाउ करूँगा। आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे? मैं आपको अलाउ करूँगा, पहले सब बैठ जाए, हाउस इन ऑर्डर होगा। गौरव जी आप भी बैठ जाए, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को अलाउ कर दे रहा हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें इंसल्ट किया गया, मैं बिल्कुल आपको अलाउ कर रहा हूँ। सर दीजिए सर, बोलने दीजिए सर, मैं आपको अलाउ, बोलने दीजिए सर, ऐसा नहीं सर, बोलने दीजिए सर। मैं आपका नाम तो लूँ, राहुल गांधी जी। स्पीकर सर, देखिए जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। अब चुप रहे श्री अनुराग ठाकुर जी, हमने समय दे दिया, अब आप बैठे, ये तरीका नहीं है, नहीं ये तरीका है, आपको हमने टाइम दे दिया, आप बैठ चुके हैं, आप बैठ चुके हैं, नहीं आप बैठ चुके। श्री अनुराग ठाकुर जी सर, मुझे लगता था कि इनको कहीं नहीं, कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, हमने आप, लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो, ऐसा कैसे चलता है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, एक मिनट, आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। बिठा के आपको बिठाए बुलाए, अब मैं नहीं करूँगा। मैंने आपको अनुराग ठाकुर जी को बिठा के आपको मैंने समय दिया, तो अब अनुराग ठाकुर जी बोलेंगे। सर मैं इतना ही कहूँगा, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है सर, लेकिन मैं इतना कहूँगा सर, सर मैंने क्या कहा था सर? सर सर सर, माननीय सभापति जी मैं गंभीर बात कर रहा हूँ, ये नहीं सुन रहे हैं। मैंने कहा था जिस ठाकुर माननीय सभापति जी, आई हैव ऑलरेडी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी अपने ही हैज मेंशन, उन्होंने ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग जो उनको था। नहीं नहीं आप दल से बाहर आ जाए, कृपया आप दल से आ जाए, फिर मैं उनको फिर समय दे दूंगा। जी सर, सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है, मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए? सर मैं कहना चाहता हूँ माननीय सभापति जी, अगर आप देखेंगे मैंने अनुराग जी को बिठा के मैंने माननीय राहुल गांधी को समय दिया, मैंने अनुराग ठाकुर जी को बिठा के, तो कृपया आप लोग जब एलओपी को टाइम मिल गया, एलओपी को टाइम मिल गया तो आप सदन में व्यवधान लें। अब फिर बोलना चाहते हैं आप, खड़े हो जाइए, आप फिर बोलना चाहते हैं, खड़े हो जाइए, चलिए खड़े हो जाइए, आप लोग जाइए बिल से।
बात एलओपी एलओपी प्लीज एलओपी आई एम गिविंग तो बेल से तो जाइए सर स्पीकर सर अगर मैं आपके एलओपी को टाइम दे रहा हूं तो आप बेल खाली कर दीजिए इतनी अच्छी बरसा पूरा देश इतनी अच्छा बजट पे स्पीच दे रहा है यू हैव ऑलरेडी स्पोकन राहुल ने कह दिया अभी हम अब आप अपने लीडर का सम्मान करें हमने आपके लीडर को दूसरी बार फिर बुला रहा हूं आप अपने लीडर का सम्मान करें हाउस के एलओपी हैं और अगर मैं उनको दूसरी बार बुला रहा हूं उनको बिठा दिया माननीय सदस्य को तो कृपया आप लोग तो कम से कम इस बात को महसूस करें मिस्टर केसरी मैं प्लीज बोल दी मिस्टर राहुल गांधी मिस्टर राहुल गांधी आप लोग बैठे राहुल स्पीकर सर बोलने का मन क्या था स्पीकर सर इस सर माइक नहीं सर माइक यहाँ से नहीं जाती सर जो भी माइक आ जाएगा स्पीकर सर जो भी इस देश में दलितों की आदिवासियों की पिछड़ों की बात उठाता है जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है और मैं ये सब गालियाँ खुशी से खाऊंगा क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे खत्म आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए हम खुशी से लेंगे धन्यवाद गौरव धन्यवाद श्री अनुराग ठाकुर जी गौरव जी आपको हमने समय दीजिए खत्म हो जाएगा सर श्री राहुल गांधी खत्म हो जाएगा सर श्री राहुल गांधी प्लीज राहुल गांधी जी ये तय कर ली मुझे जब आप चाह रहे हैं मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन स्पीकर सर सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है नहीं कोई मुझे अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है मैं लड़ाई लड़ रहा हूं जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगू मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए राहुल गांधी जी मैं चेयर पे हूं और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदी या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको कार्यवाही करूंगा मिस्टेक उसको निकलवाऊंगा ठीक है आप नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको एक्सपेंज करूंगा आप भी कर रहे हैं सुन रहा हूँ श्री अनुराग ठाकुर जी माननीय सभापति जी अखिलेश यादव श्री अखिलेश यादव जी बैठ जाए श्री अखिलेश महोदय श्री अखिलेश सभापति महोदय मैं केवल इतना सभापति महोदय बरसा जी सभापति महोदय स्वागत है क्या तरीका सभापति महोदय मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है माननीय मंत्री रहे हैं बड़े दल के नेता हैं मंत्री रहे हैं बड़ी बात कर रहे थे मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे दुर्योधन तक यहाँ ले आई है वे केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप पूछ के दिखाओ जाति तुम आप जाति कैसे पूछोगे तुम कैसे पूछोगे जाति नहीं जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते आप हमारी व्यवस्था सुन ले आप मेरी व्यवस्था सुन ले कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा अनुराग ठाकुर जी
अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, बात आ गई, माननीय सभापति जी, उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय आरजी वान जी ने यही कहा था कि ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता हूं। ये तो सदन में है। आरजी वान ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूं। अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही हैं, और आपकी पार्टी गलत थी कि आप गलत हैं, और वो पिछड़ा विरोधी थे कि आप पिछड़े के पक्ष में हो। और उस समय की पूर्व प्रधानमंत्री आईजी ने कहा था कि जात पर ना पात पर, अभी मैंने तो कहा नहीं सर, उस समय कहा गया था। और इसी तरह से ही मंडल, कृपया अपना भाषण संक्षेप, मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, इस पर कौन वर्षों तक बैठा रहा सर, जवाब देना होगा इनको, कौन देगा जवाब? अगर उस समय उसको लागू कर दिया होता तो आज ओबीसी के अधिकारी भी ज्यादा होते, बाकी भी होते। और यही नहीं सही, इन्होंने दलित के साथ, आदिवासी के साथ, ओबीसी के साथ विरोध किया। ओबीसी कमीशन को तो संवैधानिक दर्जा भी नहीं दिया, अगर संवैधानिक दर्जा दिया तो मोदी सरकार ने आकर दिया है माननीय दर्जी। और मैं सदन के लिए पढ़ देता हूं सर, नेहरू जी ने 1961 में आरक्षण के विरुद्ध में लिखा था, कोट, आई रिएक्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट एनीथिंग विच लीड्स टू इनएफिशिएंसी एंड सेकंड रेट स्टैंडर्ड्स, आई वांट माय कंट्री टू बी अ फर्स्ट क्लास कंट्री इन एवरीथिंग, द मोमेंट वी एनकरेज द सेकंड रेट वी आर लॉस्ट, आई अनकोट। ये किसने कहा? देश के पहले प्रधानमंत्री ने कहा। आप उससे सहमत हो गए नहीं सहमत हो बताइए, माफी मांगोगे उसके लिए कि नहीं मांगोगे? कृपया चेयर को आप एड्रेस करें, आप चेयर को एड्रेस करें अनुराग जी। सर मैं इतना ही कहूंगा और समाप्त करें। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं वो, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो हमारे हिसाब लिए करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं सर, मेरे एक मिनट सर, सर मैं एक बात क्लियर कर दूं सर, मैंने किसी का नाम लेकर नहीं कहा, लेकिन कोई अपने आप क्यों खड़ा हुआ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। आप रिकॉर्ड चेक कीजिए सर, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए। और सर ये सारी बातें अगर आप देखेंगे, सबका साथ सबका, मैं रिकॉर्ड दिखवा लूंगा, आप दिखाइए सर, सबका साथ सबका विकास हमने किया सर। अगर अल्पसंख्यक के रूप में अगर किसी को राष्ट्रपति बनाया गया तो कलाम साहब को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बनाया गया। रामनाथ कोविंद जी को ऐसी समाज से आते थे राष्ट्रपति बनाया गया तो मोदी जी की पहली सरकार में बनाया गया। एक महिला ट्राइबल को अपनी क्षमता के आधार पर अगर देश का राष्ट्रपति बनाया गया तो द्रौपदी मुर्मू का हमारी सरकार को। अगर ओबीसी प्रधानमंत्री है तो आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आज सबसे ज्यादा मंत्री SC ST ओबीसी है तो हमारी सरकार में सर। सर मैं इतना ही कहूंगा, समाप्त करें सर, मैं दो मिनट में खत्म करूंगी सर, दो मिनट सर। MSP सर, ये MSP की बात कर रहे थे सर, MSP कौन लाया? MSP सर 61 के युग में, उस समय के पहले प्रधानमंत्री जी ने लाए, लेकिन इन्होंने उसको गारंटी क्यों नहीं दिया भाई? 61 के बाद 66 में आप लाए, आप इतने सालों तक क्या करते रहे, क्यों नहीं आपने प्रावधान उसका किया? सर दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, कर्नाटक में 1200 किसानों की आत्महत्या की, 1200 किसानों ने गए आप मिलने के लिए, कितने SC ST ओबीसी थे, कितने SC ST OBC थे सर? वहाँ के ओबीसी का पैसा, SC ST का पैसा, उनका बजट 34% कर्नाटक में खत्म करके अलग कर दिया गया। पूछा आपने क्या उनसे कौन किया? और सर यही नहीं, मैं पूछता हूँ सर मैं पूछता हूँ इनमें से सर, अब आप संक्षिप्त समाप्त करें, आप समाप्त सर। एक मैं कहना चाहता हूँ सर आप देखिए, ओबीसी के लिए आज ओबीसी का कोटा खत्म करके अगर मुसलमान को आरक्षण देने की बात कोई करता है तो आपकी आंध्र कर्नाटक आपके कहने पर वो लोग करने की बात करते हैं, आप यहाँ पे ओबीसी की बात करते हो सर। माननीय सभापति जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यहाँ पर, एक बात सर, अग्निवीर की बात कही गई और अखिलेश यादव जी ने मेरा नाम लेके कहा। सर मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूँ, बहुत छोटा राज्य, 70 लाख की आबादी है सर। सर देश में कारगिल के समय सबसे ज्यादा शहादत दी तो हिमाचल के वीर सपूतों ने दी। समाप्त करो बात। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, 2 हमारे यहाँ से हुए, 1 rank 1 pension, ये बात 40 साल तक इन्होंने दी सर। अगर दी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर दी। और ये नहीं सर, अग्निवीर योजना में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और हमारी अंडर। सर एक बात अंत में, लास्ट बात कह रहा हूँ सर, ये लास्ट है
सर मैं एक बात ये आखिरी बात कह रहा हूँ सर, युवाओं के लिए बजट में बहुत कुछ है, नौकरी से लेकर इंटर्नशिप से लेकर बाकी सब। मैं निर्मला जी को और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत उसके लिए बधाई देता हूँ। सर स्पेस सेक्टर के लिए 1000 रुपया वेंचर कैपिटल फंड भी दिया गया। सर जिस देश में स्पेस के नाम पर शायद बहुत कम कुछ दिखता था, आज चंद्रयान मिशन की सफलता के कारण दुनिया का पहला देश भारत बना है। सर यही नहीं सर, इनके समय हेमराज का गला रेत कर ले गए थे, वापस नहीं लाए थे, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी सेना को मजबूत किया। सर डॉक्टर प्रदीप स्टार्टअप में सर हम नंबर वन बने। सर आखिरी लाइन है सर, सर 30 सेकंड सर आखिरी लाइन सर, ये कहते हैं देश में डर का माहौल। सर मैं इतने ही कहूंगा, डर का माहौल है अपराधियों में, डर का माहौल है भ्रष्टाचारियों में, डर का और भय का माहौल है देशद्रोहियों में, धर्मियों में, कुकर्मियों में, और सबसे ज्यादा डर का माहौल है देश के दुश्मनों में। सर देश के दुश्मनों में। सर अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय निर्मला जी ने 7वां बजट तो लाए, ये जन भावनाओं का बजट है जिसका पूरा सदन पूरी पूरी प्रशंसा करता है, और इनको और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। डॉक्टर प्रदीप पाड़ी की रही डॉक्टर प्रदीप क्या कहना चाहते हैं? शशि थरूर जी, Rule 353. Mr. Premchandran ji, he has not. He cannot take my name. I am not mentioning your name without notice. No. I have given whatever you wanted to raise. Already, LOP has raised the issue. Akhilesh Yadav ji has raised. No point of order. No. Nothing. Shashi Tharoor ji. अब तय कर लीजिए आप लोगों में. डॉक्टर प्रदीप पाड़ी कर ही सर, I'd like to speak for a minute. विष्णु पद्रे जी, मिस्टर चेयरमैन सर, लेट मी पॉइंट आउट, ही हैज रिपीटेडली टेकन माय नेम सर, ही हैज रिपीटेडली टेकन माय नेम। एक बढ़िया खबर है, आप भी सुन लो, आपको जरूरत है, अभी ले लो, आपका भला होगा। मोदी जी ने ऑयल एंड गैस का नाम पर अंडमान में 4 जगह में अक्टूबर में ऑयल ड्रिलिंग काम शुरू हो जाएगा। ये मोदी जी वो नहीं है। नंबर टू भाई प्रदीप किसने बेचा था सर? भाई प्रदीप मर्जा पूरी इम्फाल का राजा लोग आए थे, चेन गैंग बना के जेल बनाया था भाई प्रदीप। इस पार्टी ने भाई प्रदीप बेचा था कैसीनो का नाम पर, जुआ खेलने का नाम पर बचाया था। मैं विष्णुपद राय एंटनी माफी मांगा था, भाई प्रदीप बेचा था इन लोगों ने, उसका माता जी ने बना था बबर जोन जारवा रिजर्व। अंडमान निकोबार जी को देखो क्या बना है, क्या बनाया मोदी आपने, क्या बनाया। जय हिंद भारत माता की जय। डॉक्टर प्रदीप पाड़ी के रही क्या चाहिए सर? तरीका ठीक नहीं है आपका, ऐसा नहीं है। बोलिए क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, नंबर बताइए पॉइंट ऑफ ऑर्डर का। पॉइंट 353 सर, 353 पढ़ूं दोबारा? अच्छा माय नेम विदाउट नोटिस। अब आप लोग 352 और 353 को पढ़ी लो, आज सुनो एक बार, बैठो। पढ़ लो इसको। Yes, I have the right to respond, मुझे डेली के डेली। सर आई हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड, व्हाई नॉट? मुख्यमंत्री पढ़ाओ, बोलो। द जेंटलमैन हैज रिपीटेडली टेकन माय नेम एंड quoted me. I mean, I should be grateful that he has revived the 35-year-old book of mine, which he has quoted extensively, the great Indian novel published in 1989, which is a satirical novel, which unfortunately the gentleman has missed the satire. I do want to point out, sir, that the fact is that we have recently fought the elections of 2024 and not the elections of 1989. So that's the first point, is to understand the context in which this has been written. Second and more important, sir,
I think it's important to understand that whereas many things have been said in the course of writing novels, there are also many subsequent books I have written which he could have quoted where he may be somewhat less happy with the result. And thirdly, sir, as far as there are many, many people on that side of the fence who have said many things far more recently against their own party, which he should remember can also be quoted back at them. So I think at this point, sir, this is not a literary discussion. I'm grateful for this, but I don't believe this is the right way to proceed in this matter. Thank you, sir. Sir, agli baar naye novel ka istemal kar lenge, sir. Sare sadan ko, roz sadan mein is kitab ko uthate ho aap, aur roz ek kanun uthate ho, 352, 353, Bible hai. To ye do Bible ke do ansh, aaj main padh ke sunata hu pure sadan ko, is Bible. Made by Sri Anurag Singh Thakurji and the chair has assured me that I will be given an opportunity. It is under rule 356 and read with rule 353 and also rule 76. 1 minute. Sir, one second. What is the purpose of the point of order? When you debate, there is no mic. आपको मैंने allow नहीं किया. Allow करो. नहीं बैठ. One second. एक प्रेमचंद. एक प्रेमचंद जी, please. महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.